हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर? क्या होगा अगर हमने एक एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो कि शुगर सॉल्यूशन होगा या सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वाटर के अंदर? चलिए देखते हैं। पहला केस क्या बन सकता है? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल। अगर हमारे पास सपोज करिए ये सेल है और ये मीडियम है जो सेल को सराउंड करके रख रहा है, अगर इसके पास वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा हुआ, मतलब सपोज कर लो ये जो ब्लू है ये वाटर है और ये सेल के अंदर वाटर है, तो वाटर का जो कंसेंट्रेशन है अगर सेल के बाहर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल के अंदर, आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो ज्यादा डाइल्यूट है एज कंपेयर टू इनसाइड। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। जो सेल है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों का वाटर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे अपन लिखते हैं वाटर कंसेंट्रेशन हाई है आउटसाइड द सेल, तो इसका मतलब क्या है, जो वॉटर है वो सेल के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर बाहर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर वाला सॉल्यूशन होता है तो उसे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यानी कि दिस इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वॉटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस फ्रीली पास करते हैं दोनों डायरेक्शन में, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड से आउटसाइड भी जाएंगे और आउटसाइड से इनसाइड भी जाएंगे। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। लेकिन बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो पानी की एंट्री है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कि जो वाटर सेल से बाहर आ रहा है। द नेट रिजल्ट इज दैट वॉटर एंटर्स द सेल। तो नेट मूवमेंट हम लोग क्या बोलेंगे कि वॉटर जो है वो सेल के अंदर गया है। द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। इससे क्या होगा, जब वॉटर एंटर करेगा सेल के अंदर ज्यादा अमाउंट, तो फिर जो सेल है वो स्वेल अप यानी कि फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आप ये भी कह सकते हो। तो यानी कि जब हम लोग अपने एनिमल या प्लांट सेल को एक हाई वाटर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में रखते हैं या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो नेट रिजल्ट ये है कि सेल जो है वो वाटर गेन करके स्वेल अप हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल। अब सेल के अंदर और बाहर जो कंसेंट्रेशन है वो सेम है, यानी कि जो कंसेंट्रेशन सेल के अंदर वही कंसेंट्रेशन सेल के बाहर है। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो नेट मूवमेंट जो वाटर की है वो जीरो होगी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब वाटर का कंसेंट्रेशन सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम है तो उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जो वाटर का मूवमेंट है वो सेल मेम्ब्रेन के दोनों डायरेक्शन में होता है। बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज अमाउंट गोइंग आउट। लेकिन जो अमाउंट जितना सेल के अंदर जा रहा है वाटर का, उतना ही वो सेल से बाहर जाएगा। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नेट जो है ना सेल ने वाटर लूज किया है और ना ही गेन किया है।
सेल विल स्टे द सेम साइज, तो जो सेल का साइज है वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो दिस इज योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. थर्ड सिचुएशन पे चलेंगे अब. इफ द मीडियम हैज अ लोअर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, अब आपके पास जो सेल है उसके अंदर जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है और बाहर जो कंसेंट्रेशन है वो कम है. मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो अगर बाहर वाटर का कंसेंट्रेशन कम है तो उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो अंदर कंसेंट्रेशन हाई होने की वजह से जो सेल है वो वाटर लूज करेगा. सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. तो यानी कि अगर वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन में तो उसे हाइपोटोनिक बोलेंगे, और अगर वाटर का कंसेंट्रेशन कम है तो उसे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोबारा से जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा दोनों डायरेक्शन से. बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, लेकिन इस बार जो पानी का मूवमेंट है ज्यादा वो सेल से बाहर की तरफ होगा एज कंपैरेटिवली जितना एंटर हुआ है. देयरफॉर सेल विल श्रिंक, तो यानी कि सेल से कुछ ना कुछ चीज निकल रही है नेट, तो सेल श्रिंक यानी कि सुगड़ जाएगा. वी कैन से सेल का साइज छोटा हो जाएगा. Unicellular freshwater organisms and most plant cell tend to gain water through osmosis. जिन organism के पास एक cell होता है और वो fresh water में रहते हैं, और ज्यादातर plant के cell जो water की gain है वो osmosis के through करते हैं, यानी कि high concentration से low concentration की तरफ water का movement होता है. Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. Plant की जड़ पानी को absorb करती है वो भी osmosis का ही एक example है, यानी कि roots के आसपास water का concentration change होता है जिस वजह से water की entry roots के अंदर होती है. Diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. Diffusion जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में और वाटर को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है एक सेल की. वाटर का एक्सचेंज यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि नेट मूवमेंट जो वाटर की एंटर होगी या बाहर होगा या फिर वो एज इट इज ही रहने वाला है, उसमें डिफ्यूजन का बहुत बड़ा रोल है. और एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करता है. इन एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, इसके अलावा जो सेल है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन लेता है. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, और एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने में और बाहर आने में. तो ये मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट है चाहिए ताकि वो मूवमेंट आसानी से हो सके. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. Plasma membrane flexible होती है, मतलब वो अपनी शेप चेंज कर सकती है, you can say like that, and made up of organic molecules, lipids and proteins. और ये organic molecules की बनी होती है जिनको अपन lipids और proteins बोलते हैं. Structure of plasma membrane can only be seen through an electron microscope. अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसके थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग स्ट्रक्चर नहीं देख सकते. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट,
सेल मेम्ब्रेन क्योंकि फ्लेक्सिबल है, इस वजह से जो सेल होता है वो फूड, खाना और दूसरी चीजों को निगल लेता है अपने एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाले एनवायरनमेंट से। सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, ऐसी प्रोसेसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं जिसमें फूड को इंगल्फ यानी कि निगला जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस, अमीबा अपना फूड ऐसे ही प्रोसेसेस के थ्रू एक्वायर यानी कि लेता है। तो आज की क्लास में हम लोगों को यही पढ़ना था जो था आपके पास, कि सेल को अलग अलग वाटर कंसेंट्रेशन में रखेंगे तो क्या होने वाला है और कैसे मूवमेंट जो है वो मटेरियल्स की हो रही है, वाटर की हो रही है, तो इसके बारे में आप लोगों के आज सेशन था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।